क्या डॉक्टर सिन्हा, बेल तो मुझे मिलनी ही थी क्योंकि केस सरासर झूठा था। भला मैं और एग्जामिनेशन पेपर लीक करूंगा? किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की थी। डॉक्टर सिन्हा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, मेरी वाइफ का फोन आ रहा है। थैंक यू। हाँ बोलो डार्लिंग। हाँ मैं घर ही आ रहा हूँ। हाँ पेशेंट बहुत ज्यादा थे आज, तुम एक काम करो बच्चों को तैयार करो। हाँ टिकट्स मैंने ले ली है। लव यू बाबा। हाँ मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें यतीम मत करो ना। नहीं मुझे मारना मत, मुझे मत मारना, मुझे बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। फिर से बोलो। झूठ बोलना पाप है। बंकू तुम आज इतना चुप क्यों बैठे हो? क्या हुआ दिखाओ। तुम्हारे बापू ने फिर मारा तुम्हें? बोलता है स्कूल मत जा, चाय की दुकान पर काम कर। बेटा अपने बापू से कहना चाय की दुकान पर जितने पैसे मिलते हैं उतने मैं उन्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ना रोके। फिक्र मत करो, मैं बापू से बात करूंगी। और ये आज मुझे दे देना सीने के लिए। यार हीरोइन पहचाना कि नहीं? इंस्पेक्टर कदम देखिए इस वक्त मेरी क्लास चल रही है, आप प्लीज। क्लास वो तो दिख रहा है। तेरी क्लास तो अब मैं लूंगा अमृता बख्शी, समझी?
पे दो बच्चों को यतीम बनाकर उनके सर पर हाथ रखने चली थी तू? अरे तेरा पीछा तो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से। इस बार तो तू गई, गई तू। हथकड़ी लगाओ से। अरे मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया तूने। क्या किया तूने? करेंगे तो हम, तू थाने तो चल, चल हमारे साथ। मैंने नहीं तोड़ा। तूने नहीं तोड़ा कांच? अरे सच में गेड़ी, ये मैंने नहीं तोड़ा। वो संदीप ने शॉट मार के तोड़ दिया था और वो तो अभी भाग भी गया। ये शॉट संदीप ने मारा? अरे पर कुछ भी बोल, क्या शॉट मारा नहीं संदीप ने? सुपर, सीधा कंपाउंड से कांच तोड़ के बॉल मेरे टेबल पे। वो संदीप बड़ा होगा ना, उसको तो इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट बैट्समैन बना देंगे 100%। सच में? हाँ और क्या, अच्छा शॉट था ना। अरे फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब सिक्सर। असल में वो शॉट संदीप ने नहीं, मैंने मारा था। अच्छा, मुझसे अच्छा सिक्सर तो कोई नहीं मार सकता। इधरा, तो सिक्सर तूने मारा, मतलब ये कांच भी तूने ही तोड़ा? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे? फंस गया ना बेटे। केडी सर से कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मुझसे क्या, किसी से झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ से इंसान कमजोर होता है और सच में बहुत ताकत होती है। और उसी ताकत की जरूरत अमृता बख्शी को है। केडी, केडी तुम्हें अमृता बख्शी याद है? वो मेडिकल कॉलेज की टीचर जिसको तुमने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर स्कैम में डिफेंड किया था। मिस केसवानी, मैं अपना कोई केस नहीं भूलता। ऑफ कोर्स अमृता याद है मुझे। योर ऑनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मनक ताला के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि इन एग्जामिनेशन पेपर्स पर लिखावट मिस बख्शी की नहीं डॉक्टर जंजानी की है। डॉक्टर जंजानी, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि इन एग्जामिनेशन पेपर्स को मिस बख्शी ने लीक किया, आपने नहीं? हाँ, जब ये पेपर लीक हो रहे थे तब मैं दिल्ली में था। दिल्ली में थे, लेकिन आपके मोबाइल फोन के उस दिन के रिकॉर्ड से ये पता चलता है डॉक्टर जंजानी कि आपने उस दिन जितने कॉल्स किए सारे लोकल कॉल्स थे, यानी कि आप मुंबई में ही थे और एग्जामिनेशन पेपर्स लीक कर रहे थे। ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर स्कैम में डॉक्टर जंजानी दोषी है, इसलिए उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और प्रोफेसर अमृता बख्शी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच केडी। यू वेलकम। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आज तो बच गई तू, लेकिन देखता हूं कब तक ये तुझे बचाता है। इंस्पेक्टर कदम, शायद आपने सुना नहीं जज साहब ने क्या कहा, इनके खिलाफ केस खारिज हो गया है, अदालत ने इन्हें रिहाई दे दी है। ये अदालत को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। मेरी नजर हमेशा तेरा पीछा करते रहेंगी अमृता बख्शी। एक बात याद रखना, मैं तुझे अगली बार ऐसा जकड़ूंगा, ऐसा जकड़ूंगा कि 10 केडी भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर कदम इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। एनीवे केडी, समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, लेट मी टेक यू आउट फॉर कॉफी। एक्चुअली नो, डिनर। प्लीज मेरे साथ डिनर के लिए चलो। लेकिन नहीं, डोंट से नो, इट्स माय ट्रीट, प्लीज। आई वुड लव टू अमृता, लेकिन Some other time. Nice girl. लेकिन आप यहाँ आई हैं और उसका जिक्र कर रही हैं, तो कोई तो बात होगी। मर्डर, उस पर मर्डर का इल्जाम है केडी, और एक बहुत ही भयानक खून, और मुझे पूरा यकीन है कि अमृता ने वो खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर कदम उसे फंसा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन से इंस्पेक्टर कदम लगातार उसे परेशान करने लगे, सताने लगे।
जैसे कि उसकी अमृता से कोई ज्यादती दुश्मनी हो, जैसे कि वो गुनेगार हो। हाँ याद है मुझे, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाया था कि इंस्पेक्टर कदम में एक एग्जामिनेशन पेपर स्कैम ने इतनी नफरत क्यों भर दी। एनीवे, अमृता के साथ आपकी इतनी सहानुभूति का कारण आप तो उसके खिलाफ थी। थी केडी, लेकिन अब नहीं हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने उसे प्रोसिक्यूट किया था तो मेरी वजह से उस बेचारे की नौकरी चली गई और उसके यूएस जाने का सपना, वहां उसकी स्कॉलरशिप, सब कुछ। हाँ लेकिन उस केस में तो वो बाइज्जत बरी हो गई थी, उसके बावजूद। तुम तो जानते हो केडी कि एक बार कोई जेल चला जाए तो उसे फिर मेडिकल प्रैक्टिस करने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। केडी एक बार फिर अमृता को बचा लो प्लीज, मेरी खातिर, यही मेरा प्रायश्चित होगा। मर्डर किसका हुआ है? यू वोंट बिलीव इट, डॉक्टर जंजानी का। वही डॉक्टर जंजानी जिसे पिछली बार तुमने सजा दिलवाई थी, जिसने उस पर आरोप लगाया था एग्जाम पेपर लीक का। लालच बुरी बला है। ये कांच कब टूटा? वो दो दिन पहले, पता नहीं कैसे। क्या दिख रहे हैं? मुझसे पहले भी यहां कोई और आया था ढूंढने के लिए। ये डोर टूटा हुआ है और इसमें हारमोनिका। डॉक्टर के क्लिनिक में हारमोनिका? पुलिस ने इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? पुलिस की नजर से कुछ नहीं बचता। तो तू है उस कातिल का वकील है? नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे बॉस केडी पाठक। नाम तो सुना ही होगा आपने, केडी पाठक। वरुण, ये तस्वीरें देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? ऐसा हो नहीं सकता, कैसे मुमकिन है? He's in jail. तो मिस्टर केडी पाठक, आप इतिहास दोहराने चले हैं? इतिहास मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय लॉ है इंस्पेक्टर कदम, जो शायद एक समय पर आपका भी विषय था। नहीं, लॉ, कानून, जिसे तुम जैसे डिफेंस लॉयर बड़ी अच्छी तरह मरोड़ना जानते हैं, है ना मिस्टर केडी पाठक? लेकिन मिस्टर केडी पाठक, इस बार तुम्हारी कोई भी दलील काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इतना मजबूत केस बनाया है अमृता बख्शी के खिलाफ कि उसे सुलझाते सुलझाते तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा मिस्टर केडी पाठक। रियली? यस, चले। तुमने मुझे बचाया था, तब से ये इंस्पेक्टर कदम मौका ढूंढता है मुझे परेशान करने का, और इस बार किसी के
के इल्जाम में फंसा दिया। वर्दी का रोब झाड़ रहे हैं आप, महिला पर हाथ उठाकर। कानून अंधा होता है केडी पाठक साहब, उसे ना मर्द दिखाई देता और ना औरत, उसे मुजरिम दिखाई देता है बस। आपके कानून का ज्ञान अधूरा है इंस्पेक्टर कदम, मुजरिम और मुलजिम में अंतर होता है। मुजरिम वो होता है जिसका गुनाह साबित हो गया और मुलजिम वो होता है जिसका गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ। ऐसी कई बातों के बारे में सुशिक्षित करूंगा आपको अदालत में। योर ऑनर, आज से ठीक 2 साल पहले इसी अदालत में इसी कटघरे में खड़ी थी मिस अमृता बख्शी। आरोप था मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक करने का। आरोपी थे मरहूम डॉक्टर झंझानी, जिन्होंने मिस अमृता के साथ मिलकर वो सारे पेपर्स तय किए थे। योर ऑनर, उस केस में मिस बख्शी के खिलाफ सारे आरोप गलत साबित हुए थे। करेक्ट। डॉक्टर झंझानी के झूठे इल्जाम की वजह से आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था, तनावग्रस्त हो गई थी आप। इतनी तनावग्रस्त कि इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, यूएसए की स्कॉलरशिप इनके हाथ से निकल गई। बाय द वे, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूं। दरअसल उस हादसे के बाद प्रोफेशनल टीचिंग से मेरा मन और भरोसा दोनों ही उखड़ गए। क्या कहा आपने, मन और भरोसा क्या हो गया? जी, उखड़ गए। मन और भरोसा उखड़ गए, यानी डॉक्टर झंझानी की वजह से आपकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। आप कहां से कहां पहुंच गई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आप ज्यादा खुश हूं। बच्चों को पढ़ाने में जो सुकून मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुकून आपको मिला डॉक्टर झंझानी का कत्ल करने में। मिस्टर पटनायक, क्या सबूत है आपके पास इस केस में? मेरे पास एक पुख्ता सबूत है, ये फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में एक मोबाइल है, डॉक्टर झंझानी का मोबाइल, जिसके ड्राफ्ट में एक मैसेज है जो उन्होंने उस वक्त लिखा था जब उनका कत्ल हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी को लिखा था, कॉल पुलिस, अमृता बख्शी इज किलिंग मी, पुलिस को बुलाओ, अमृता बख्शी मुझे मार रही है। योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि इतनी संजीदा बात को एसएमएस द्वारा क्यों कहेगा? डॉक्टर झंझानी ने सीधा फोन क्यों नहीं किया? डॉक्टर झंझानी बोलते कैसे? अमृता बख्शी के चाकू के वार से उनकी जबान जो कट चुकी थी। और सुनिए पाठक साहब, अमृता बख्शी ने उन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, बल्कि 40-40 वार की, ऐसे ऐसे ऐसे। वाह, मिस अमृता बख्शी, बदला लेने का कितना घिनौना तरीका इस्तेमाल किया आपने। यह भी तो हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब, कि कातिल ने कत्ल करने के बाद खुद वो एसएमएस लिखा हो और अमृता का नाम लिखा हो ताकि शक अमृता पर जाए। बड़ी मजाक सी बात कर रहे हैं आप मिस्टर पाठक। ये फोन टच पैड फोन है, इसके स्क्रीन पर जो खून आलूदा यानी खून से सनी हुई उंगलियों के निशान हैं, वो खुद डॉक्टर झंझानी के हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मर्डर अमृता बख्शी ने किया है। योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद डॉक्टर झंझानी की उंगलियां पकड़कर ये एसएमएस टाइप किया हो। मुझे सुन सुन आवे हांसी। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि कातिल ने अमृता बख्शी के हाथ में चाकू दिया और चाकू देने के बाद में उनके शरीर को काट डाला बुरी तरीके से। और फिर आप ये भी कहेंगे मिस्टर पाठक कि डॉक्टर झंझानी के खून में अमृता की उंगलियों को डुबाकर दीवार पर लिख दिया गया, लालच बुरी बला है। कैसी लालच में अमृता बख्शी जी? मुझे नहीं पता, दीवार की लिखावट मेरी नहीं है। लेकिन लिखावट आपकी जैसी तो है। जैसी हो सकती है प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन इनकी नहीं, अंतर है। एंड योर ऑनर, हर कत्ल में कातिल तक पहुंचने का सबसे अहम सबूत होता है कत्ल का हथियार, जो इस केस में एक 8 इंच का छुरा है, जो अब तक
किसी को नहीं मिला, और जब तक कत्ल का हथियार बरामद नहीं होता हम किसी यकीन से कह सकते हैं कि यह कत्ल मिस अमृता बख्शी ने किया है। जज साहब, डॉक्टर जंजानी ने मुझे उस स्कैम में 2 साल पहले फंसाया था। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं 2 साल इंतजार क्यों करती? करना पड़ा आपको इंतजार, क्योंकि डॉक्टर जंजानी 2 साल तक जेल में थे। एक महीना पहले वो छूटे, तो उनका मर्डर करने के लिए आई बिलीव 1 महीने तो प्लान किया ही होगा आपने, राइट? प्लान? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी उनके क्लिनिक में भी नहीं गई। गई थी योर ऑनर। डॉक्टर झंझानी का कत्ल रात में लगभग 9:45 पर हुआ, एंड एग्जैक्टली 9 PM उनके सिक्योरिटी यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल है उसके पास जो CCTV कैमरा लगा हुआ था उसने एक शख्स को अंदर आते हुए रिकॉर्ड किया। हियर्स द प्रूफ। इतना बड़ा झूठ इस भरी अदालत में रिस्पेक्टेड जज के सामने। अब तो जज साहब को भी यकीन हो गया होगा कि डॉक्टर झंझानी का कत्ल आप ही ने किया है। मैं समृता बख्शी, मैं मानती हूं कि उस रात मैं डॉक्टर झंझानी के क्लिनिक में गई थी। इन्होंने कहा मैं मानती हूं कि मैं उस रात डॉक्टर झंझानी के क्लिनिक में गई थी उनका मर्डर करने। मैं वहां उन्हें मारने के लिए नहीं गई थी। जी हाँ, मैं तो उनसे ये पूछने गई थी कि 2 साल पहले मुझे क्यों फंसाया। उनके झूठ का हिसाब मांगने गई थी उनसे। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि गड़े मुर्दे उखाड़कर कोई फायदा नहीं है। मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। बस ये सोचकर मैं वापस आ गई। अंतरात्मा, कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है आपने, पर यह सच्चाई है कि आप वहां गई। यह भी सच्चाई है कि आपने CCTV कैमरा बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, ताकि हमें आगे की फुटेज ना मिल सके। आपने अदालत को और कानून को गुमराह करने की कोशिश की। जी नहीं, मैंने वो कैमरा नहीं बिगाड़ा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां कोई कैमरा था। मैं जब उनके क्लिनिक में गई मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और देखा कि उनके साथ कोई था। उनकी नर्स को वहां उनके साथ देखकर मैं वापस आ गई। अमृता, क्या वो नर्स इस वक्त अदालत में है? जी हाँ, वो रही। नर्स वाला, आप रो रही थीं और डॉक्टर झंझानी आपको मना रहे थे, क्यों, क्या हो गया था? वो मेरी माँ बीमार है ना, बस इसी की टेंशन में। तो एक हफ्ते पहले शायद उन्हीं का इलाज करवाने आप लोनावला गई थी। डॉक्टर झंझानी के साथ कुछ तस्वीरें हैं आपकी हमारे पास। लोनावला के माउंट व्यू होटल की बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, देखिए आप और डॉक्टर झंझानी एक साथ। एक और बात नर्स वाला, डॉक्टर झंझानी के केबिन में जो मेज है उसका एक तरफ का दराज तोड़ा गया था और उस ताले पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए। ये क्या चल रहा है नर्स वाला? ताला तोड़ना, रोना, रुठना, मनाना, क्या बाज रहा है ये? क्या चल रहा था आपके डॉक्टर के बीच? क्योंकि नर्स और डॉक्टर का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता, होता है क्या? मेरा डॉक्टर झंझानी के साथ फेर था। ऑर्डर, ऑर्डर। इसीलिए हम चोरी छुपे लोनावला गए थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद मिस्टर झंझानी ये रिश्ता तोड़ देना चाहते थे। बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हो रहा था। और वो दराज, वो क्यों तोड़ा आपने? उनकी मौत के बाद मुझे पता था कि पुलिस वहां जरूर आएगी तलाश के लिए।
उस ड्रॉर में मेरे और मिस्टर जंजानी के कुछ कुछ फोटोग्राफ्स थे, इसीलिए मैंने उन्हें वहां से हटा दिया, वरना वरना सबको पता चल जाता कि जब आपने इतना कुछ स्वीकार कर लिया तो ये भी कबूल कर लीजिए कि डॉक्टर जंजानी की हत्या आप ही ने की है। नहीं नहीं, मेरे खून नहीं किया, मैंने उनको नहीं मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन। केडी पाठक के इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। नर्स माला, कत्ल की रात, कत्ल के एन वक्त 9:45 पर कैटवेल मेडिकल स्टोर से अपनी बीमार मां के लिए दवाइयां खरीद रही थी। जी जनाब, और ये उन दवाइयों के बिल्स हैं मेरे पास। 9:46 PM इस पर प्रिंटेड है, केमिस्ट द्वारा साइन किया गया ये स्टेटमेंट भी है मेरे पास, सबूत के तौर पर पेश करता हूं यहां। थैंक यू। नर्समाला, पुलिस ने डॉक्टर जंजानी के कैबिन में से ये माउथ ऑर्गन बरामद किया, आपका है? नहीं, मुझे नहीं पता, और इससे पहले मैंने इसे वहां नहीं देखा। आपने इसे डॉक्टर जंजानी के कैबिन में कभी नहीं देखा? जी नहीं। इससे तो ये बात और भी अजीब हो जाती है। खैर, ये बताइए कि जब आपने वो दराज तोड़ा था अपनी तस्वीरें निकालने के लिए, तो वहां एक कोर्ट का लेटर, एक पत्र पड़ा हुआ था, किसी मिस्टर कालरा, विनय कालरा ने डॉक्टर जंजानी को भेजा था, क्या था वो लेटर? मिस्टर विनय कालरा, उनकी माँ मिसेस लीलावती कालरा, कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था, और उसी ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत नहीं हुई थी, मेरी माँ को मारा गया था। डॉक्टर जंजानी ने क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज देकर मेरी माँ को मारा था, वो डॉक्टर नहीं, खूनी था, खूनी। राइट, और इसीलिए आपने उन पर मुकदमा दायर किया। जी, लेकिन ऊपर वाले ने अपना इंसाफ कर दिया, उसे मौत देकर, अच्छा हुआ मर गया वो। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर कालरा, एक जाति सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सुना है कि आप माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं, क्या ये बात सही? जी हाँ। वो माउथ ऑर्गन आपका? जी जी नहीं, और हो भी नहीं सकता जज साहब, क्योंकि इस माउथ ऑर्गन पर किसी और की उंगलियों के निशान। किसके? क्या अमृता बख्शी के? नहीं योर ऑनर, किसी तीसरे के ही है। पुलिस इन बातों की तहकीकात कर रही है कि वो उंगलियों के निशान किसके हैं और वो माउथ ऑर्गन डॉक्टर जंजानी के ऑफिस में कैसे आया, लेकिन मेरा शक अब भी मिस्टर कालरा पर ही है। मिस्टर कालरा, जब आप डॉक्टर जंजानी को समन्स लेटर देने गए थे, तो आपने उनको मौत की धमकी दी थी? जी जी हाँ, मैंने धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था, तो वहां इंस्पेक्टर थे, और मुझसे ज्यादा गुस्से में तो ये थे, और इन्होंने वहां का शीशा भी तोड़ दिया था। किसने? इंस्पेक्टर कदम ने? जी हाँ। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर कदम, आप कत्ल की शाम को डॉक्टर जंजानी के क्लिनिक गए, वहां गुस्से में उनके कैबिन का कांच तोड़ा, और इतना बड़ा सच अपने अदालत से छिपा, वो भी इतने संगीन केस। जी एक्चुअली मैं डॉक्टर जंजानी से कुछ पूछताछ करने गया था। पूछताछ? कैसी पूछताछ? मर्डर के पहले कैसी पूछताछ? क्या पूछने गए थे आप, कि आपका मर्डर कौन करने वाला है? जी नहीं, दरअसल इस बीच जो मेडिकल एंट्रेंस का जो स्कैम हुआ था, उस सिलसिले में पूछताछ करने गया था। लेकिन मुझे तो बेल मिल चुकी है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चुप, परेशान कर रहा हूं तुझे? तुझ जैसे बेमान लोगों की वजह से आज कितनी मासूम जिंदगियां तबाह हो रही है। तेरे लोगों के साथ जुर्म करते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं हट। लेकिन मैंने कोई पेपर वेपर आउट नहीं किया, ये सब कुछ कराया उस अमृता का है। अमृता? हाँ, अमृता का। तुम मेरे पीछे कब पड़े हो? अरे उसे भी देख लूंगा मैं, लेकिन जंजानी तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, और अमृता को हट।
डॉक्टर चंचानी, तूने मेरी माँ की जान ली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले, मैं तुझे देख लूंगा। इंस्पेक्टर कदम, उस एग्जामिनेशन पेपर को लेकर शुरुआत से आप एकदम भावुक रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्यों इतनी नफरत करते थे आप डॉक्टर चंचानी से? क्यों इतनी नफरत करते हैं आप अमृता बख्शी से? क्यों? क्यों ना करूं नफरत? जो कानून तोड़े उससे नफरत ना करूं तो क्या करूं? प्यार करूं से? तो क्या आप इनसे उतनी ही नफरत करते थे जितना अपने भाई से प्यार? योर ऑनर, इंस्पेक्टर कदम के छोटे भाई 21 वर्षीय मिलिंद कदम, उन्होंने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इंस्पेक्टर कदम, अदालत को बताइए कि आपके भाई ने आत्महत्या क्यों की थी? मिलिंद की जान इसलिए ली थी, इसलिए। जज साहब, मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता था। दिन रात एक करके उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की थी, लेकिन इस स्कैम में उन लोगों को जगह मिल गई जिन्होंने जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे। अगर ये स्कैम नहीं हुआ होता तो आज मेरा भाई भी डॉक्टर ही पढ़ रहा होता, जिंदा होता। इसकी वजह से मेरे भाई की जान गई है। जज साहब, इसने मेरे भाई की जान ली है। हत्यारी है ये, हत्यारी। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसे जिंदा रहने का। मार डालूंगा मैं इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। इंस्पेक्टर कदम, इसी का डॉक्टर को मारा है, छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर कदम, ऑर्डर, क्या कर रहे हैं आप? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आई एम सॉरी जज साहब, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। और इस जज्बात के बहाव का आड़ लेकर आपने अदालत पर यह जाहिर करने की कोशिश की कि डॉक्टर चंचानी का कत्ल इस बख्शी ने किया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, अदालत जज्बात पर नहीं बल्कि सबूत पर विश्वास रखती है, और मेरा अगला और आखिरी सबूत मैं समृता बख्शी को कातिल साबित कर देगा। जज साहब, मेरा नाम है मकर अंजलि वाला, एंटोफिल भी मेरी दुकान है घरेलू सामान की। उस दिन ये मैडम आई थी मेरे दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए। ये 4 ब्राउन बॉक्स के डब्बे, 2 सफेद दस्ताने, 8 इंच का चाकू। योर ऑनर, ये वही सामान है जिससे डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया गया। मिस्टर पाठक, क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी मुवक्किल में समृता बख्शी बेगुनाह है? मैं मानती हूं कि मैंने ये सब सामान खरीदा था, लेकिन मैंने ये सब अपने घर के काम के लिए खरीदा था, किसी को मारने के लिए नहीं। रियली? फिर तो वो सारा का सारा सामान यकीनन आपके घर में ही मिलना चाहिए। योर ऑनर, क्यों ना हवलदार को भेजकर इनके घर से वो सारा सामान जांच के लिए मंगवा लिया जाए, ताकि ये मसला यहीं साफ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। अभी अभी तो आपने कहा कि वो सामान आपने खरीदा था, अभी आप कह रही हैं कि वो नहीं है। नहीं है तो कहां चला गया? मुझे बताइए कि वो सारा सामान कहां चला गया। योर ऑनर, मिस अमृता बख्शी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो सारा सामान जिसका जिक्र इन्होंने अभी अभी किया, उसका इस्तेमाल डॉक्टर झंझानी के कत्ल में किया गया, और डॉक्टर झंझानी का कत्ल कर देने के बाद इन्होंने उस 8 इंच के चाकू को और सामान को काट कर तोड़ कर किसी ऐसी जगह फेंक दिया या दबा दिया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके और ये निर्दोष साबित हो सके। योर ऑनर, ये केस अब बिल्कुल पानी की तरह से साफ है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम अमृता बख्शी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर,
फैसला करने से पहले यह साबित होना बहुत आवश्यक है कि जो चाकू मिस बख्शी ने मकरंद की दुकान से खरीदा था, कत्ल भी उसी चाकू से हुआ है। और जब तक कत्ल का औजार बरामद नहीं हो जाता, यह तय करना असंभव है। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कत्ल के औजार की तलाश की जाए। इस केस को साबित करने के लिए मैं 3 दिनों की मोहलत देता हूं पुलिस को और तुम्हें भी केटी पाठक। इस दौरान अगर वो चाकू मिल जाता है तो उसकी जांच जरूर होगी, वरना अदालत को अब तक के मिले हुए सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वो टेप, वो चाकू, वो ग्लव्स आपने खरीदी थी तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और अदालत में आपने कहा कि ये सब आपके घर पर नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब होता है? कहां गया आपके घर से? वो सामान चोरी हो गया केडी। चोरी हो गया? लेकिन मैं अदालत में ये कैसे कहती? कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, तुम भी नहीं। आप तो इतने वर्षों से डॉक्टर झंझानी के साथ काम कर रही हैं, आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास मकसद हो उनका कत्ल करने का? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। बताइए सर। सीरियल किलर मथुरेश मिश्रा के नाम एक औरत, प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा। केडी, ये वही सीरियल किलर है ना जिसे कुछ महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था? और ये भी कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर दीवार पर मुहावरे लिखता था। हाँ, मोडस ऑपरेंडी वही है, कत्ल करने का तरीका वही है, लेकिन इन्होंने जो 8 कत्ल किए उस जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी गई है। 10 दिन में इनकी फांसी है, 6 महीनों से ये सलाखों के पीछे है। इनका इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ, अच्छा, उस हारमोनिका का कुछ पता चला जो तुम्हें डॉक्टर झंझानी के क्लिनिक से मिला था? वो किसका था? अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उस पर किसके उंगलियों के निशान है। प्रोफेसर मिश्रा भी तो माउथ ऑर्गन बजाते हैं, कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ केडी? कुछ नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो नामुमकिन है, पर अगर मुमकिन भी हो तो उसे अदालत में साबित कैसे करूं? क्या ढूंढ रहे हो केडी? कैसे हो सकता है? सर, ये देखिए सर, पुलिस को फाइनली उस माउथ ऑर्गन पर लगे फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है। ये माउथ ऑर्गन उसी सीरियल किलर मथुरेश मिश्रा का है। भाई, फोटोग्राफ्स, पुलिस फाइल से मैंने उसके हाथों मर्डर्स के फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए। हर शिकार पर 40 से ज्यादा घाव, कत्ल के बाद दीवारों पर कहावत लिखना खून से, चोरी करना पाप है, लोग मनुष्य का दुश्मन है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर, जिस तरह डॉक्टर झंझानी का मर्डर हुआ है, दीवार पर लिखी कहावत माउथ ऑर्गन, वैसे ही घाव, ऐसा किलिंग पैटर्न तो सिर्फ इसी सीरियल किलर का है। You're right, लेकिन मथुरेश मिश्रा पिछले 6 महीनों से सलाखों के पीछे है। और डॉक्टर झंझानी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? You're right, जेल से निकलकर कत्ल करना, ये किस ऑफिसर के पास था? इंस्पेक्टर कदम। ओ, ऐसी इंस्पेक्टर कदम, और हमें इस बारे में उसने बताया भी नहीं। आई मस्ट पे देम अ विजिट। गुड वर्क। थैंक यू मिसेस बिलमौर्य। ये माउथ ऑर्गन प्रोफेसर मिश्रा बजा रहे? जी हाँ। केडी, मैंने अपने पूरे कैरियर में इससे खतरनाक कैदी नहीं देखा। प्लीज जरा संभल के रहना। प्रोफेसर, तुमसे कोई मिलने को आया है।
बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कैसे हो केड़ी पाठक? कैसे हैं प्रोफेसर? ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और तुम कैसे हो केडी? चिंतित, बौखलाए हुए, क्या महज घबराए हुए? मेरी मनोदशा तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। हाल ही में माटुंगा के डॉक्टर जंजानी का कत्ल हुआ और उनकी लाश के पास एक हार्मोनिका माउथ ऑर्गन मिला। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और आपकी उंगलियों के निशान भी थे उस पर। प्रश्न मेरा यह है कि ये माउथ ऑर्गन वहां आया कैसे? बता सकता हूं, मगर क्यों बताऊं? प्रोफेसर, 10 दिन बाद आपको फांसी लगने वाली है। जाते जाते एक नेक काम करते जाइए, आत्मा को शांति मिलेगी। जल्लाद से रहम मांग रहे हो? मेरी आत्मा बहुत शांत है केडी, क्योंकि मैं मरने नहीं शहीद होने जा रहा हूं। क्योंकि जिन 8 लोगों को मैंने मारा है वो हाँ, जो फरेबी थे, रिश्वतखोर थे, ड्रग्स का अरे दीमक थे वो, इस समाज पर एक कलंक। खुदगर्जी और उनके लालच ने इस पूरे समाज को खोखला कर दिया था, इसलिए मैंने उनको मारा। अरे जो काम तुम्हारी पुलिस नहीं कर पाई वो काम मैंने बड़ी आसानी से कर दिया। तुम 8 लोगों को ऐसी मौत दिए कि उसके बाद कोई भी शख्स ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। बुराई के बदले में बुराई। खैर, मुझे इससे क्या करना? मैं आपकी अतीत पर किताब लिखने तो आया नहीं, और जो करना था सरकार कर चुकी है। देखिए प्रोफेसर, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो एक बेगुनाह की जान बच जाएगी। आप डॉक्टर जंजानी को जानते थे? डॉक्टर जंजानी? हाँ, पढ़ा था उसके बारे में। एग्जाम पेपर स्कैंडल में वो पकड़ा गया था, लेकिन अपने पैसे और ताकत के बलबूते वो छूट गया। खुलेआम जैम की हवा सूंघने लगा वो। सुना है उसकी नर्स के साथ उसका एक चक्कर भी था। क्या क्या नाम बताया तुमने? डॉक्टर जंजानी? नहीं, मैंने यह नाम नहीं सुना। सच, मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। कत्ल की रात 21 सितंबर आप कहां थे उस रात? तो फिर इतना बता दीजिए कि आपका हार्मोनिका उनकी लाश के पास कैसे आया? बता सकता हूं तुम्हें केडी, लेकिन मैं क्यों बताऊं? केडी, खून इस हार्मोनिका से नहीं हुआ है, चाकू से हुआ है। तो बेहतर होगा कि तुम उस चाकू को ढूंढो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो चाकू कहां है। कहां है चाकू? एक शर्त पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चाकू कहां है। कैसी शर्त? इस केडी पाठक में केडी का क्या मतलब है? रुको, मैं सीरियस हूं। केडी का मतलब मुझे बताओ, मैं तुम्हें उस चाकू का पता बता दूंगा। केडी पाठक में इस केडी का क्या अर्थ है? करण दिवाकर। क्या? करण दिवाकर। केडी करण दिवाकर पाठक।
अच्छा लगा। बताइए चाकू कहाँ है? प्रोफेसर बताइए चाकू कहाँ है? आपने वादा किया था। प्रोफेसर वेयर्स द नाइफ? चाकू कहाँ है? अपनी गली ना कर दफन मुझे बादे कत्ल। मेरे पते से खाला को क्यों तेरा घर मिले? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.